बेटियां आगे पढ़ेंगी, देश को आगे बढ़ाएंगी। नमस्कार, मैं मानसी पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ हजारीबाग अपडेट्स में। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग के बिहारी बालिका उच्च विद्यालय में, जहाँ पर प्रशासन के द्वारा एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। जो प्रशासन के लोग हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, यहाँ पर आए हैं और सबसे पहले मॉक ड्रिल के माध्यम से, अगर आपातकालीन स्थिति में कहीं आग लग जाती है, या हमने कई बार वीडियोज़ के माध्यम से भी देखा है कि गैस सिलेंडर में आग लग जाने पर लोग अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, उस तरीके से उन्होंने मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचने का उपाय बताया और लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कहीं आग लगने पर, वो भी बताया। अब कुछ योजनाओं के माध्यम से उसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। यहाँ पर बालिका का स्कूल है और स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है कि कैसे बेटियाँ अपने आप को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ सकती हैं। और आजकल भारत जैसे देश में बेटियों को लेकर या लड़कियों को लेकर कई अपराध सामने आ रहे हैं और उस दौरान लड़कियां अपना बचाव कैसे कर सकती हैं और किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकती हैं, ये बताया जा रहा है। हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है, अपना बचाव कैसे कर सकती हैं, अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकती हैं, ये बताया जा रहा है। हम यहाँ के RAF पदाधिकारी से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। तो आइए जानते हैं। ये जो अपना कार्यक्रम है, ये रैपिड एक्शन फोर्स का एक मोटो है, फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज। तो फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज जो होता है वो हर एक एरिया में, हर एक इलाके में होता है। हमारा जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इलाका है, ये झारखंड भी अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम जहाँ भी जाते हैं उससे पहले एक बार एक फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज करते हैं, ताकि लोगों से मिलजुल बढ़े, लोकल एरिया में का जानकारी हो, लोकल एरिया का जानकारी हो, तभी हम कभी भी ड्यूटी में कोई दिक्कत ना आए। कम्युनल वायलेंस तो लोगों से हम परिचित होंगे तो उनका मदद मिले, ताकि हम उस वायलेंस को समाप्त कर सकें। इस चीज़ के बारे में यह हमारा एक 7 डेज़ का प्रोग्राम चलता है, फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज। उसके तहत आज हमारे ये प्रोग्राम है, एक रूट मार्च था, उसके बाद हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में हम लोग जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उसके तहत हम बच्चों को अवेयरनेस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि ये फोर्स में आए, इनका मन में डर दूर हो, अपने आप को स्वावलंबी बनाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएं, ताकि ये देश में काम आए। थोड़ा जो अपना डिस्प्ले किया है उसके बारे में थोड़ा इनको डर दूर हो जाए, ताकि ये जाए, हम फोर्स में जाए तो ये हम वेपन्स वगैरह चला सकते हैं। हजारीबाग में हमारे एक हफ्ते का प्रोग्राम है, तो उस एक दिन हमारा जो इसमें रूट मार्च होता है, ताकि कितना भी जो सेंसिटिव इलाके का रूट है उस एरिया में हम लोग फ्लैग मार्च, रूट मार्च करते हैं, ताकि एरिया में थोड़ा अवेयरनेस बढ़े। फोर्स आया है तो उसके मन में ये हो जो भाई फोर्स आया, हम यहाँ कोई उपद्रव ना मचाए, तो ये सब चीज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, और एक दिन और प्रोग्राम होता है ये प्लांटेशन की स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद हमारा जो सीनियर ऑफिसर DM SP साहब से मिलना होता है, उसके बारे में हमें एरिया के बारे में जानकारी लेना होता है, ये सब चीज़ हमारे उसमें आते हैं, एरिया इनपुट्स, वो सब चीज़ हम एडवांस जानकारी लेते, तभी हम कभी भी यहाँ ड्यूटी में आए तो हमें मदद मिल सके, हमें बढ़िया तरीके से अपना ड्यूटी निर्वाह कर सकें हम। और लोगों से इसलिए मिलते हैं ताकि लोग हमें ऐसे कम्युनल वायलेंस हो या कोई भी उपद्रव हो तो उसको शांत करने के लिए मौका मिले। रैपिड एक्शन फोर्स का मेन मोटो है कम्युनल वायलेंस को रोकना, एरिया में शांति बनाए रखना और लोगों के अंदर भाईचारे बनाए रखना, ये रैपिड एक्शन फोर्स का मेन मोटो है। रैपिड एक्शन फोर्स या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक पार्ट है, तो स्पेशल फोर्स है, ये हमारे ड्यूटी में आता है ये सारा चीज़। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं इंस्पेक्टर जकारिया अहमद, 106 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स, जमशेदपुर से आए हम लोग। पुलिस द्वारा हमेशा समय समय पर हम लोग समाज के आगे ले जाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूक करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज रैप की फोर्सेज, स्पेशल फोर्सेज हम लोग यहाँ बुलवाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग कम्युनल वायलेंस को रोके और लोगों को जागरूक किया जाए, हर एक कम्युनिटी को जागरूक किया जाए। दूसरी उद्देश्य हम लोग की थी कि स्कूल में बालिकाओं को, बच्चियों को खासकर
अवेयर किया जाए कि वो समाज में आकर के अग्रणी भूमिका निभाए और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए या इसमें और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले, इसके लिए हम लोग प्लांटेशन का भी अपना एक प्रोग्राम था जिसको हम लोग आज बिहारी स्कूल बालिका स्कूल के प्रांगण में यहाँ के प्रिंसिपल यहाँ के शिक्षक द्वारा इस प्रोग्राम को इस अवेयरनेस प्रोग्राम को काफ़ी सुनियोजित तरीके से काफ़ी सक्सेसफुल रूप से हम लोग संपन्न कर रहे हैं। साथ में हम लोग जो प्लांट लाए हैं यहाँ लगाए हैं और बाकी प्लांट यहाँ के विद्यार्थियों और बच्चों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्लांट यहाँ लगा दिया जाए और बाकी समाज को हम लोग टाइम टाइम पे अवेयर करने का प्रोग्राम आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम से क्या सीख मिली बताइए। मैम, इस कार्यक्रम से ये सीख मिली कि लड़की लोग को खुद का सुरक्षा खुद से करना है और खुद को बचाना है, देश खुद कुछ करना है देश के लिए, देश को आगे बढ़ाना है और कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और देश को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। अच्छा, और अपनी सुरक्षा को लेकर भी कुछ कुछ चीज़ें बताई गई, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई, उससे कुछ सीख मिला आपको? यस मैम। क्या सीख मिली? सुरक्षा के लिए हम खुद पुलिस कर्मियों में ऐसा भर्ती ले सकते हैं, आगे जाके खुद पुलिस बन सकते हैं और खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, देश की और भी महिलाएँ हैं उनकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने पदाधिकारियों को सुना और प्रशासनिक लोगों को सुना, ये जो कार्यक्रम है ये 7 दिन का कार्यक्रम कराया जाता है जिसमें लोगों के बीच समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेज में हो, ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता फैले।